नीतीश जी बिहार में आके बिहार के युवाओं से वोट मांगते हैं, शर्म आनी चाहिए इनको। नीतीश जी आपने क्या किया पिछले 5 सालों में? आप यहां वोट मांगने आते हो, आपने क्या किया? आपने सड़क दी? नहीं। आपने गन्ने की शुगर मिल या मक्के की फैक्ट्री दी? नहीं। आपने जब बिहार के मजदूर पैदल चल रहे थे, आपने उनकी मदद की? नहीं। आपने उल्टा उनकी पिटाई की, उन पर लाठी चलवाई, उनको बंद करवाया। तो मतलब आप कैसे आके बिहार की जनता से वोट मांग रहे हो? शर्म नहीं है? आप जाइए छत्तीसगढ़, जाइए छत्तीसगढ़ जाइए और वहां किसी भी किसान से पूछ लीजिए धान के लिए उसको क्या रेट मिलता है, और छत्तीसगढ़ का हर एक किसान आपको बोलेगा हमें 2500 रुपए क्विंटल धान का रेट मिलता है। हम चुनाव में हमने कहा, देखिए छत्तीसगढ़ में कहा, देखिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद किसान को 2500 रुपए क्विंटल रेट पैसा मिलेगा। आज जाइए कहीं भी छत्तीसगढ़ में, किसी भी किसान से पूछ लीजिए 2500 रुपए मिलता है। अगर छत्तीसगढ़ में मिल सकता है तो बिहार में क्यों नहीं? क्योंकि नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी चुने हुए उद्योगपतियों की सरकार चलाते हैं, किसानों की नहीं चलाते, मजदूरों की नहीं चलाते, गरीबों की नहीं चलाते। और मैं यहां आया हूं आपको गारंटी देने की कि बिहार में गठबंधन की सरकार बनेगी तो वो गरीबों की होगी, किसानों की होगी, हर जात की होगी और हर धर्म की होगी।